मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के कार्यों और जन आशीर्वाद लेने जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चित्रकूट से 3 दिसंबर से हुई थी। चित्रकूट हमारे आराध्य प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। सनातन के सम्मान और विरासत में उत्थान का जो वीणा भाजपा सरकार ने उठाया उसे पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता का आशीर्वाद लेने की शुरुआत करने के लिए हमने प्रभु श्री राम की नगरी को चुना ताकि हमारे आराध्य का भी आशीर्वाद निरंतर बना रहे। शेष 4 यात्राएं प्रदेश के 4 छोर नीमच, मंडला, श्योपुर और खंडवा से शुरू हुई। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जनता के निरंतर साथ में 10,643 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को सफल और सार्थक बनाया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के तहत प्रदेश के 51 राज्यों के 210 विधानसभाओं तक हम पहुंचे और 25 लाख से अधिक मतदाताओं से सीधा संवाद किया। यात्रा में कुल 1000 स्वागत स्थल, 670 से अधिक रथ सभाएं, 200 से अधिक मंच सभाएं, 50 बड़ी जनसभाएं। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद के दोनों सदनों से नारी बंधन बिल को पास कर नया इतिहास रचा है। जिस प्रकार देश की सरकार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है उसी प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार भी महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 200-300 गाड़ियों का काफिला देख के मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। मैं पूछता था कि ये इतनी गाड़ियां कहां से आ गई, तो होशंगाबाद के हमारे सभी साथी कहते थे कि कहीं आई नहीं है, सब यही जितने गाँव में आप गए उतनी गाँव की गाड़ियां आई। तो मैंने कहा इतनी इतनी गाड़ियां हर गांव में इतनी सारी गाड़ियां कैसे हो सकती। तो उन्होंने बताया कि तवा के बांध से सिंचाई का जो क्षेत्रफल ने यहाँ पर इतनी समृद्धि पैदा कर दी है कि यहाँ पर सड़कें भले नहीं हमारे यहाँ लेकिन हर गांव का मकान पक्का है। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।